गुड आफ्टरनून जफर, शरीफ, मेघा, हर्षिता, सैनी, मौसमी, प्रद्युमन, प्रमोद, जसलीन, शिल्पा, पूजा कुमारी, गुड आफ्टरनून। मुकेश, दीपक शर्मा, वर्षा प्रकाश, गुड आफ्टरनून। मोहम्मद सलाउद्दीन, रोहित कुमार रंजन, निशा कच्छप, मोहम्मद फैजल, गुड आफ्टरनून। समा अल्पी, उमा मेहरा, मयंक मनोहर, निहारिका, विष्णु दयाल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो पिछली क्लास में, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। पिछली क्लास में हम लोग कर रहे थे औसत के कुछ क्वेश्चंस किए थे। औसत क्या है बताया था, कैसे निकलता है कैसे निकालते हैं वो बताया था मैंने। फिर बताया था मैंने कि बिना वो सब बताया था। आप आज क्वेश्चन करूंगा तो पता चलेगा, कल का तो पूरा क्लास रिपीट करना मुश्किल काम है। और दो तरीका, एक डायरेक्टली हम फॉर्मूला से बताया था और एक सब जितने भी डाटा था सब पे औसत की वैल्यू दे के फिर हम सॉल्व किए थे वो बताया था। तो आगे बढ़ते हुए आज सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसको करने की कोशिश करें। तीन संख्याओं का औसत 17 है और पहले दो का 16, तीसरी संख्या कौन सी है? चलिए, अनुज कुमार का आंसर आया है, सही है। अनुज, राहुल साहू, मयंक मनोहर सही है, मुकेश कुमार तुम्हारा सही नहीं है, विष्णु दयाल नॉट करेक्ट, अभिषेक मौर्य, पूजा कुमारी, संदीप राज इनका सही है, प्रद्युमन तुम्हारा सही नहीं है, विष्णु दयाल सही नहीं है, सुजीत कुमार नहीं, रश्मि कनौजिया नहीं, प्रमोद टेलर नहीं, हिमांशु पौरवाल करेक्ट है, उमा मेहरा, मेघा शर्मा, कुशल वाजपेयी आपका करेक्ट है, मोहम्मद फैजल नॉट करेक्ट, वर्षा प्रकाश नहीं है सही, जयशंकर पंडित करेक्ट है, जयशंकर पंडित और वर्षा प्रकाश आप लोग ध्रुव सर के चैट में भेजो आंसर। नहीं, हर्षिता नहीं, अमित कुमार रांची सही है, सलाउद्दीन गलत है, मोहम्मद सलाउद्दीन, साकेत, जफर शरीफ, मुकेश कुमार, मीनाक्षी सही है, चंचल गलत है, अभिषेक कुमार करेक्ट वन, अर्चिता नहीं करेक्ट है, पूजा कुमारी नॉट करेक्ट, विवेक शुक्ला नहीं, जसलीन करेक्ट है, विकी कुमार, आशुतोष उपाध्याय करेक्ट है, दीपक शर्मा, राज यादव करेक्ट है, शीला कुमारी, शीला कुमारी सही है, राज यादव नहीं करेक्ट, गंगा राज गुड आफ्टरनून, हर्षिता अब सही है तुम्हारा। चलिए, बहुत लोग का आंसर आ गया है, तो इसका आंसर है 19, मैं लिख रहा हूं, इसका आंसर है 19। तो आप जो भी बनाए हो आप देख लो, इसका आंसर है 19। आप चेक कर लिया, बहुत लोगों का आंसर आया हुआ है मेरे पास,
19। अब जिनका नहीं आया मैं बता देता हूं, तीन संख्याओं का औसत 17 है और पहले दो का 16, तीसरी संख्या कौन सी है? तो अगर तीन संख्या मान लो ए बी और सी मानते हो, तो तीन संख्याओं का औसत 17 है, तो तीनों का योग क्या होगा? तो 3 × 17 पता है आपको, 3 × 17 होगा, मतलब 51। और पहले दो का 16 है तो ए बी का जोड़ क्या होगा? 2 × 16 तो ये 32 हो गया। कुछ नहीं करना है, ए बी सी जो 51 है इसमें ए प्लस बी माइनस कर लो जो 32 है, आंसर आ जाएगा माइनस 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 माइनस, तो वैसे भी कट जाएगा ये ए बी बी बचा सी, 51 32 माइनस करो 19, तो सी की वैल्यू क्या है 19, ये आंसर होगा। तो वो तीन संख्या हमने ए बी सी माना, ए बी सी का योग 3 × औसत 51 और ए बी का योग 2 × औसत 16, जो औसत है 32, फिर हमने माइनस कर दिया ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी में से आंसर आ गया, ठीक है, तो 19 आया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मोहम्मद फैजल भाई, एबीसी तीन संख्या है, औसत 17 है, तो उनका जोड़ क्या होगा? 3 × 17 51 लिखा, पहले दो मतलब ए और बी का औसत 16 है, तो उनका जोड़ क्या होगा? ए प्लस बी को 2 × 16 32, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस करो तो सी आ जाएगा ना, 19 आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, केश कुमार, अमित कुमार रांची, उमा मेहरा, मयंक मनोहर, जफर शरीफ करेक्ट है, संदीप राज नॉट करेक्ट। कल मैंने बताया भी था कैसे निकालते हैं। आशुतोष उपाध्याय करेक्ट है, संदीप राज, राजीव रंजन ओराव गलत है, विष्णु दयाल गलत है, गुलाम मुर्तजा अंसारी, अभिषेक कुमार, हिमांशु कोरवाल सही है, मीनाक्षी गलत है, सुजीत कुमार, पूजा कुमारी, अनुज कुमार गलत है, चंचल करेक्ट है, पूजा अग्रवाल, रिंका चौधरी सही है, विश्वदयाल अब करेक्ट है तुम्हारा, निशा कच्छप करेक्ट, पूनम, अजय चुट्टू करेक्ट है, मौसमी कुमारी, विकी कुमार, मौसमी कुमारी करेक्ट है, और करण कुमार करेक्ट है, विकी तुम्हारा सही नहीं है, राहुल साहू करेक्ट, दीपक शर्मा करेक्ट, मोहम्मद फैजल एंड मीनाक्षी करेक्ट नहीं है, अभिषेक मौर्य, वैष्णवी शर्मा करेक्ट है, हर्षिता नहीं, कुशल वाजपेयी, पूजा कुमारी करेक्ट है, साकेत करेक्ट है, मेघा शर्मा, दीपक शर्मा करेक्ट है, चलिए अब मैं बता देता हूं, प्रतिभा कुमारी, सुमन कुमारी करेक्ट है, रोहित कुमार रंजन एंड मीनाक्षी नॉट करेक्ट,
मैंने कल बताया था, ये पता नहीं आप लोग ध्यान दिए नहीं लगता है। गजेंद्र उज्जैना करेक्ट है, उज्जैनिया करेक्ट है। चलिए इसका आंसर 49 है, इसका आंसर 49 है, इसका आंसर 49 है। मैंने बताया तो था कैसे निकालते हैं। प्रथम 97 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो इसे 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते गए और 96 और 97, 1 से लेकर 97 तक का औसत चाहिए। तो मैंने बताया था कि कोई भी संख्याओं का सीक्वेंस बढ़े या घटे एक फिक्स नंबर से, एक फिक्स नंबर से, तो उसका औसत निकालना हो तो उनका औसत पहले और अंतिम के औसत के बराबर होगा। तो यहाँ पे पहला संख्या कौन है? 1 है और अंतिम क्या है? 97 है। इनका औसत निकाल लो, ये पूरे सीक्वेंस का औसत वही होगा क्योंकि ये सीक्वेंस संख्याओं का एक एक से बढ़ रहा है। तो औसत क्या होगा? एवरेज 1 + 97/2। सॉल्व करेंगे तो ये 49 आएगा। बस यही औसत पूरे संख्याओं के सीक्वेंस का भी होगा, ये मैंने कल भी बताया था। ठीक है, अब है आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लें आप जिनका नहीं बना था। रश्मि, पहले और अंतिम का औसत निकालोगे तो पहले और अंतिम को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे ना, दो संख्या हो गया ना 1 और 97। ठीक है, 200 से डिवाइड करोगे ना, 2 संख्याओं का औसत निकाल रहे हो तो पहले और अंतिम का, क्योंकि वही औसत पूरे का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सब लोग बनाएं। मयंक मनोहर गलत है, अमित कुमार गलत है, अनुज कुमार करेक्ट है, संदीप राज गलत है, राहुल साहू गलत है, टॉली कुमारी, विवेक कुमार गलत है, गजेंद्र उज्जैनिया सही है, मोहम्मद फैजल गलत है, दीपक शर्मा करेक्ट है, जफर शरीफ गलत है, पूजा अग्रवाल करेक्ट है, दीपक शर्मा मैं बोल चुका हूं करेक्ट है, पूनम कुमारी गलत है, वैष्णवी शर्मा करेक्ट 1, हिमांशु पोरवाल गलत है, रिंका चौधरी आपने सही बनाया है, मुकेश कुमार करेक्ट है, रश्मि कनौजिया, विष्णु दयाल गलत है, अजय टुटू सही है,
पूजा कुमारी गलत है, विकी कुमार गलत, अभिषेक राज यादव, जफर शरीफ, सुमन, शुभम कुमार गलत है, राहुल साहू करेक्ट वन। वर्षा प्रकाश गलत है। वर्षा प्रकाश तुम ग्रुप सर पे भेजो। मेगा शर्मा करेक्ट, उमा मेहरा गलत है, सुजीत कुमार गलत, हिमांशु पोरवाल, विकास मोदी, गुड्डू सहनी सही है, संदीप राज गलत, हर्षिता गलत, बबीता गलत, गुड्डू सहनी करेक्ट है, निशा कच्छप करेक्ट, प्रमोद टेलर गलत है, गुड्डू सहनी करेक्ट है। चले मैं बता रहा हूं इसका आंसर जो है वो अजय टूटू करेक्ट है, बताया तो था नहीं जफर शरीफ। इसका आंसर है 21, इसका आंसर है 21। कैसे? तो देखो, यदि हम चार संख्या लेते हैं, मान लो संख्या लिए पहला, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पहले तीन का औसत 16 हो तो ए बी सी का जोड़ क्या है, 3 × 16 48 है, और अंतिम तीन का औसत 15 है, मतलब बी सी डी का जोड़ 15 है तो 3 × 15 जो हो जाएगा 45। आप माइनस कर लो तो बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, ए माइनस डी इक्वल टू 48 माइनस 45 3 आया। अब अंतिम संख्या 18 है तो डी की जगह 18 डाल दो, ए माइनस 18 इक्वल टू 3, ए क्या आएगा 18 + 3 = 21। यही आंसर है। तो यही आंसर है, आप सब लिख लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप जो औसत है उसका गुण बताया था, प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कि किसी कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर है, संख्याओं का एक सीक्वेंस है, उसका औसत कुछ निकाल ली, अगर आप डाटा में कुछ जोड़ते हो तो औसत में भी उतना ही जोड़ना पड़ेगा, अगर डाटा से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो तो औसत में भी उतना ही माइनस करना पड़ेगा, और डाटा को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो औसत उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डाटा को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो औसत को उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कल बताया था मैंने। मुकेश कुमार, पूजा अग्रवाल, अनुज कुमार, हर्षिता करेक्ट, अमित कुमार रांची गलत है भाई, गजेंद्र उज्जैना, मोहम्मद सलाउद्दीन, जफर शरीफ, पूजा कुमारी, संदीप राज करेक्ट है, प्रद्युमन गलत है, बबीता करेक्ट वन। अरे कुछ लोग सम बता रहे हैं, सम नहीं पूछा गया है, औसत क्या है। मयंक मनोहर, अभिषेक कुमार, विष्णु दयाल, बबीता करेक्ट, डॉली, विवेक कुमार गलत है, सुजीत कुमार, कुशल वाजपेयी, हिमांशु पोरवाल करेक्ट है, शिल्पा कुमारी गलत, विकास मोदी, विवेक शुक्ला गलत, विकास मोदी, विवेक शुक्ला, निशा कच्छ सही है, गुलाम मुर्तजा अंसारी करेक्ट है, जय शंकर पंडित गलत है, हिमांशु पोरवाल, प्रीतम राज, रिंका चौधरी, अभिषेक मौर्य सही है, प्रमोद गलत है, अजय टुड्डू करेक्ट, राखी कुमारी गलत है, सुमन कुमारी, मेघा शर्मा, पूजा कुमारी, प्रिया कुमारी सही है, पूजा कुमारी गलत है, पूजा कुमारी सही है, सॉरी, राजीव
रंजन उरांव सही है, रश्मि कनौजिया करेक्ट, करण कुमार, राहुल साहू, चंचल समा अलवी करेक्ट, दिव्या दीक्षित एंड राज यादव, दिव्या दीक्षित एंड राज यादव गलत है। दीपक शर्मा गलत है। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं, अब आप देख लें। सिद्धार्थ सही है, प्रमोद गलत है। 84 आंसर है इसका, 84 इज द आंसर। अरे कल ही बताया था मैंने, ये प्रॉपर्टी होता है औसत का। अगर 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या है, पूछा गया है ना। तो 10 संख्याओं मान लो x1 x2 x3 बढ़ते गए x10, इनका औसत एवरेज 7 है। अब सारे संख्या को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो डाटा है 12 से मल्टीप्लाई करते चला गया, तो औसत भी तो 12 से मल्टीप्लाई होगा। यही तो गुण है, प्रॉपर्टी है औसत का। तो 12 × 7 क्या हो जाएगा, 84, ये न्यू एवरेज होगा। आंसर 84, सिंपल। ये तो आपको कल बताया था इस प्रॉपर्टी में मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीन शॉट ले लें। ये है, ये बताएं, आपके लिए हिंट है कि आपको भी 5 अच्छा समझ रही, ठीक है, धीरे समझ रही हो। चलिए ठीक है, क्रमागत में लगातार संख्या ले लो कोई भी 5 और देखो क्या आंसर आता है, सब में वही आंसर आएगा। राहुल साहू करेक्ट है, उज्जैना करेक्ट है, उमा मेहरा, हर्षिता करेक्ट, विवेक कुमार गलत है, मुकेश कुमार सही, राज यादव गलत, पूजा कुमारी गलत, संदीप राज करेक्ट, पूजा कुमारी गलत है। तो पूजा कुमारी लग रहा है, विवेक कुमार बताया मैंने गलत है, प्रियदर्शनी कुमारी सही है, वैष्णवी शर्मा करेक्ट है, विष्णु दयाल कुमार करेक्ट, नेहा भगत गलत है, अभिषेक मौर्य, शुभम कुमार गलत है, दिवाकर सिंह, नेहा भगत, शुभलक्ष्मी कुजूर सही, गलत है, गलत है, राखी कुमारी, मोहम्मद फैजल गलत है, मीनाक्षी गलत है, समा अलबी करेक्ट है, चंचल गलत है, नेहा भगत, बबीता गलत, पल्लवी सिंह, नेहा भगत, प्रद्युमन कुमार, रश्मि कनौजिया नहीं सही नहीं है, शिल्पा कुमारी नहीं, हिमांशु गोवल नो, विवेक कुमार करेक्ट है। अरे काफी लोगों ने आंसर दिया है आज, तो काफी लोग रेस्पॉन्ड करने लगता है, मेरी बात कल वाली याद आ गई, कुछ लोग बैठे रहते हैं। नहीं गुलाम मर्तजा नहीं, चले काफी लोगों का आंसर आया है, खुशी की बात है। इसका आंसर मैं बता रहा हूं, फर्स्ट है, चेक कर ले आप,
एक से बढ़ जाएगा, वन से बढ़ जाएगा। वैसे अच्छी बात है, काफी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मेरा बात लगता है कल जो मैंने बोला था काफी सीरियसली ले ली है। वेरी गुड, ओके। इसका आंसर ए है, कैसे? पांच क्रमागत संख्याओं का औसत एन है, ठीक है? यदि अगली दो संख्या भी शामिल कर दिया जाए तो औसत क्या होगा, यही है ना? पांच क्रमागत संख्या कोई भी ले लो, मैं लेता हूं मान लो 5, 6, 7, 8, 9। नहीं राखी कुमारी, बहुत बार बोला हूं तुम सुनी नहीं लगता है। रेस्पॉन्ड करते हैं, करता हूं। बहुत सारा नाम आता है तो कभी मिस कर गया होगा। चलिए ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, ये पांच क्रमागत संख्या लिया, इसका औसत क्या है? तो इसका औसत बीच वाला 7 होगा, क्योंकि ये बढ़ते हुए बढ़ रहा है ये। अरे डॉली बोलता था। अब इसका औसत क्या होगा? पहला और अंतिम का औसत 5 + 9 = 14, 2 से भाग दोगे तो 7 आ जाएगा। सिंपल, 5 और 9 जोड़ के 2 से भाग दे, ओके। अब अगली दो संख्या शामिल करते, तब देखो औसत में क्या बदलाव आता है। अगली दो संख्या कौन है? 10 और 11। अब औसत क्या होगा? तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 11 का औसत 5 + 11/2 = 8 हो गया। तो जो औसत 7 था वो 8 हो गया, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा ना, 1 से बढ़ जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप दूसरा एग्जाम्पल लेके भी देखो तब भी आंसर यही रहेगा। तो औसत 1 से बढ़ जाएगा, औसत 1 से बढ़ जाएगा। अनीता, मीना, दीपक, आप सभी आंसर करें इस पे, ध्रुव सर पे। प्रमोद, गुड्डू सहनी, देखें फिर से बता रहा हूं, मैंने बोला पांच क्रमागत संख्या कोई भी ले लो, मैंने 5, 6, 7, 8, 9 लिया है, आप कुछ भी ले लो, और 5, 6, 7, 8, 9 का औसत 7 होगा, क्योंकि 5 और 9 का औसत 7 है, 9 + 5/2। अब अगला दो संख्या 10 और 11 लिया तो औसत 8 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 11 का औसत क्या होगा? 11 + 5 = 16, और 2 से भाग दो तो 8 आ गया। तो औसत 7 से 8 हो गया, तो 1 बढ़ गया ना, तो औसत में चेंज क्या आया? +1। हमने 5, 6, 7, 8, 9 लिया था क्रमागत संख्या, तुम कोई भी 5 क्रमागत ले लो, आंसर में यही चीज रहेगा कि औसत 1 से बढ़ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। जब्बर सर क्या लिखा है? एक से बढ़ जाएगा, क्या लिखे हो? औसत 1 बढ़ जाएगा। क्या अंतर है क्या इसमें, 1 बढ़ जाएगा और 1 से बढ़ जाएगा में? जफर सर कोई अंतर है क्या दोनों में? दीपक शर्मा, मैंने बताया था 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट लो 80% एक्यूरेसी के साथ, मतलब 36 सही और 9 गलत हो जाएगा। 1 से बढ़ जाएगा या 1 बढ़ जाएगा, बात तो बराबर ही मुझे लगता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सब लोग बनाए। 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याएं 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है?
मयंक मनोहर, अभिषेक मौर्या, राहुल साहू करेक्ट आंसर है, सही है। संदीप राज करेक्ट वन। सब लोग बनाए। गुलाम मुर्तजा अंसारी गलत है। आकाश उपाध्याय सही है। प्रमोद टेलर, हिमांशु कोरवाल, अमित कुमार रांची गलत है। मुकेश कुमार सही है। हिमांशु पोरवाल गलत है। पूजा कुमारी सही है। राज यादव गलत है। सुजीत कुमार, विवेक कुमार, दीपक शर्मा, प्रद्युमन, मीनाक्षी गलत है। लवप्रीत सिंह गलत है। असीता गलत है। विष्णु दयाल कुमार करेक्ट। गुलाम मुर्तुजा अंसारी अब तुम्हारा सही है। प्रतिभा कुमारी गलत। गजेंद्र उज्जैना सही है। पूजा अग्रवाल करेक्ट वन। दिव्या दीक्षित गलत है। प्रमोद टेलर गलत। विकास मोदी करेक्ट है। दिव्या दीक्षित गलत है। अजय टुड्डू सही है। जफर शरीफ करेक्ट, सही है जफर शरीफ। बबीता गलत। मीनाक्षी गलत है। रिंका चौधरी करेक्ट वन। शीला कुमारी गलत है। शुभ लक्ष्मी कुजूर सही है। पूजा कुमारी गलत। राज यादव, विवेक कुमार, अनीता मीना गलत है। विवेक कुमार गलत। विवेक शुक्ला करेक्ट वन। मौसमी कुमारी करेक्ट नहीं है। जयशंकर पंडित गलत है। पूजा कुमारी गलत है। शुभम कुमार, कुशल वाजपेयी, वर्षा प्रकाश सही है। असीता करेक्ट है। डॉली गलत है। डॉली कुमारी। निशा कच्चप गलत। प्रतिभा कुमारी सही है। मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। इसका आंसर है, आप चेक कर ले, आप 37.5। वैष्णवी शर्मा आपका भी करेक्ट है। राज यादव आपका भी करेक्ट। अब आप चेक कर लो 37.5 इज द राइट आंसर। कैसे आया मैं बता रहा हूं। 50 संख्याओं का औसत 38 है, ठीक है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है, ये है ना। तो देखो, 50 संख्याओं का औसत 38 है, उन 50 संख्याओं का और 50 नंबर्स का सम क्या होगा, तो क्या होगा 50 गुना 38, है ना, मतलब 1900। और जब दो संख्या 45 और 55 को हटा दिया तो शेष कितना हो जाएगा, शेष 48 नंबर्स होंगे का सम क्या हो जाएगा। तो 1900 में से माइनस करो 45 और 55, तो ये 1800 आ जाएगा। अब न्यू एवरेज, नया एवरेज, नया जोड़ 1800 है, उसको 48 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा 37.5। सौ करके देख लो 37.5। 48 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि अब 48 संख्या ही बचा, दो को तो हटा दिया, यही आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सब लोग कर सकते थे, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था।
आदर्श कुमार आप ध्रुव सर भेजो आंसर, अब तो आंसर मैंने बता दिया आप देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको बनाए। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और मंगलवार से बृहस्पतिवार का 34 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या है? अरे एवरेज 50 संख्याओं का है भाई, 50 तक नहीं है प्रमोद, 50 संख्याओं का है भाई। पचास तक नहीं लिखा हुआ है, 1 से 50 तक नहीं लिखा हुआ प्रमोद, 50 संख्याओं का है। राहुल साहू करेक्ट है, गुलाम मुर्तजा करेक्ट है। गजेंद्र उजेना करेक्ट वन, वर्षा प्रकाश, गजेंद्र उजेना नहीं, उजेना गलत है तुम्हारा, वर्षा प्रकाश सही है। दीपक शर्मा गलत है, विवेक शुक्ला सही है, मेघा शर्मा करेक्ट है, दिव्या दीक्षित, शिल्पा कुमारी गलत है, जफर शरीफ गलत, प्रदुमन गलत, साकेत करेक्ट वन, जय शंकर पंडित गलत है, संदीप राज गलत, अजय टुड्डू सही है, बबीता गलत, सुजीत कुमार गलत, चंचल गलत, पूजा अग्रवाल, पूनम कुमारी, शुभम कुमार गलत सही है, दीपक शर्मा गलत है, कुशल वाजपेयी गलत है, मोहम्मद फैजल गलत है, नहीं संभाल भी, डॉली कुमारी गलत, गुड्डू कुमार सहनी, जफर शरीफ गलत, राजीव रंजन ओरा गलत, विष्णु दयाल कुमार गलत, हर्षिता गलत। चलो मैं आंसर लिख देता हूँ, आप लोग चेक करो, काफी लोग का आंसर आया हुआ है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चेक करो आप, निशा कच्छप, करण कुमार गलत है, गंगा राज सही,
मैंने आंसर बता दिया है। चलिए मैं बता रहा हूं, देखो क्या है, मंडे से लेके वेडनेसडे तक औसत तापमान 37 है। तो मैं लिख रहा हूं यहां मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का सम जोड़ 3 × 37 होगा टेम्परेचर का जोड़, और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत 34 है। तो मंगलवार से मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे जो तापमान का जोड़ होगा वो 3 × 34 हो। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 4/5 हो, थर्सडे इक्वल टू 4/5 ऑफ मंडे, तो थर्सडे में बृहस्पतिवार का तापमान क्या है, एक क्वेश्चन है। देखो यहां माइनस कर लो, ठीक है, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये तो कट जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू भी कट जाएगा, बचा क्या मंडे माइनस थर्सडे, और ये होगा 3 × 37 माइनस 3 × 34। यहाँ पे 3 कॉमन लो तो 37 माइनस 34 मतलब 3 × 3 ये 9 आ गया। अब जो थर्सडे का निकालना है तो यहां से, यहां से मंडे इक्वल टू क्या आ रहा है 5/4 ऑफ थर्सडे, पुट कर लो मंडे की जगह, तो 5/4 ऑफ थर्सडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 9, तो 1/4 ऑफ थर्सडे 9, मतलब थर्सडे का टेम्परेचर 4 × 9 36 डिग्री सेंटीग्रेड, यही है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के तापमान का सम 3 × 37, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का तापमान 3 × 34, थर्सडे इक्वल टू 4/5 मंडे दिया हुआ है, सबट्रैक्ट किया तो ट्यूसडे ट्यूसडे टेम्परेचर कट गया, वेडनेसडे वेडनेसडे कट गया, मंडे माइनस थर्सडे आया 3 × 37 माइनस 3 × 34, 3 कॉमन लिया 37 माइनस 34, 3 × 3 9 आ गया। अब देखो थर्सडे के लिए 4/5 मंडे, तो मंडे के लिए 5/4 थर्सडे पुट कर दिया इस मंडे की जगह, ठीक है, तो 5/4 थर्सडे माइनस थर्सडे 9 है, 1/4 आ जाएगा सॉल्व पे थर्सडे 9, तो थर्सडे 4 × 9 36 डिग्री सेंटीग्रेड। सब लोग लिख लें, दीपक शर्मा मंडे से लेकर वेडनेसडे तक का औसत 37 डिग्री है, उनका जोर क्या होगा 3 × 37 3 हो गए ना मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। अब ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक औसत 34 है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे उनका भी जोर 3 × 34 माइनस करोगे तो ट्यूसडे ट्यूसडे तो कट जाएगा, वेडनेसडे वेडनेसडे कट जाएगा, तो बचेगा क्या मंडे माइनस थर्सडे, और यहाँ 3 × 37 माइनस 3 × 34, 3 कॉमन लिया 37 माइनस 34, तो 3 × 3 9 हो गया मंडे माइनस थर्सडे। भाई करण थर्सडे इक्वल टू 4/5 मंडे है, तो मंडे इक्वल टू 5/4 थर्सडे होगा, ठीक है, क्योंकि हमें थर्सडे निकालना है, तो मंडे की जगह 5/4 थर्सडे पुट कर दिया मैंने, क्योंकि यहां से देखो मंडे निकालो, यहां से
तो 5/4 थर्सडे होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा आपको कंबाइंड एवरेज सिखा दें। कंबाइंड एवरेज, जो संयुक्त औसत बोल सकते हो, ज्वाइंट एवरेज, संयुक्त औसत बोल सकते हो। जैसे मान लो दो क्लास है, एक क्लास का भी एवरेज मार्क्स पता है, दूसरे क्लास का भी एवरेज मार्क्स पता है, दोनों क्लास को एक साथ कर दिए तो एवरेज मार्क्स क्या होगा, एवरेज मार्क्स क्या होगा। या तीन क्लास है, तीन ग्रुप है, तीनों का एवरेज मार्क्स पता है, तीनों को कंबाइन किए तो एवरेज मार्क्स, कंबाइंड एवरेज क्या होगा। तो पहले दो के लिए बता रहा हूं, तीन के लिए वैसे भी होगा, चार के लिए भी वैसे ही होगा, इतना बढ़ा लो। देखो पहले में मान लो N1 आइटम है, डेटा है, और A1 औसत है, दूसरे क्लास में N2 नंबर ऑफ डेटा है और A2 औसत है। मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ आइटम और यहां पे है एवरेज औसत। अब इन दोनों को ग्रुप को कंबाइन करते हैं तो कंबाइंड एवरेज, संयुक्त औसत, ज्वाइंट औसत बोल सकते हो, कंबाइंड एवरेज क्या है, तो होगा वो N1A1 प्लस N2A2 बाय N1 प्लस N, ये होगा। तीन ग्रुप होता तो आगे बढ़ जाते, N3A3 ऐड करते और नीचे डिनोमिनेटर में N3 भी ऐड कर ले। चार ग्रुप होता तो N4A4 ऐड करते, नीचे N4 भी ऐड कर लेते डिनोमिनेटर में, मतलब हर में, है ना। ये दो ग्रुप के लिए बताया, तीन चार पांच ग्रुप, यही एक्सटेंड होता चला जाएगा। वैसे भी N1A1 क्या होगा, पहले ग्रुप का सम होगा, N2A2 क्या होगा, दूसरे ग्रुप का सम होगा, और N1 प्लस N2 दोनों ग्रुप में कितने आइटम, कितने संख्या, वो हो जाएगा। ये कंबाइंड एवरेज होता है, ये दो ग्रुप के लिए बताया, तीन चार पांच के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। लिखो इसको, इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहां पुरुष का एक ग्रुप है, महिलाओं का एक ग्रुप है, अब बना के देखो। इसमें हिंट है, पुरुष का एक ग्रुप है, महिला का दूसरा ग्रुप है, इसे महिलाओं की संख्या बताना है। कुछ नहीं करना, जो पीछे बताया फॉर्मूला उसमें सेट कर देना काफी है। सुजीत कुमार, देखो ये रहा,
राहुल साहू करेक्ट आंसर है। अभिषेक मौर्य करेक्ट आंसर है। मयंक मनोहर करेक्ट नहीं है। मुकेश कुमार करेक्ट है, ऑन करेक्ट आंसर। अजय टुड्डू करेक्ट आंसर है। पूजा कुमारी करेक्ट, राज यादव करेक्ट नहीं है, हर्षिता करेक्ट वन। प्रमोद टेलर गलत है, पूजा अग्रवाल करेक्ट वन। वैष्णवी शर्मा करेक्ट वन, करण कुमार करेक्ट वन। पूजा कुमारी गलत है, रश्मि कनौजिया गलत, बबीता मीनाक्षी गलत है, मयंक पोनर अब करेक्ट है। मोहम्मद फैजल गलत है। मेघा शर्मा सही है, दीपक शर्मा गलत है, कुशल वाजपेयी, रिंका चौधरी सही है, विष्णु दयाल विकास मोदी गलत है। चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूं, अब इसका आंसर है 7, इसका आंसर है 7। ठीक है, मैं बता रहा हूं अब। एक परिवार में 8 पुरुष और कुछ महिलाएं हैं, ऐसे करो ना, यहाँ पे पुरुष मेल या फीमेल, पुरुष में 8 पुरुष है और महिलाएं मान लो एन है, नहीं पता है। उनका मासिक प्रति व्यक्ति अनाज का उपभोग 10.8 kg, ये कंबाइंड है 10.8 kg। यदि पुरुष का औसत मासिक उपभोग 15 kg है और महिला का 6 kg है, तो परिवार में कितनी महिलाएं, कंबाइंड एवरेज तो दिया हुआ है, तो 10.8 इक्वल टू ये हमारा N1 है, ये हमारा A1 है, ये N2 है और ये A2 है। 8 × 15 प्लस N × 6 बाई 8 + N, ये है। अब ये पॉइंट डेसिमल हटाओ यहां से, तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा और ये 5, ये 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो तो एन की वैल्यू 7 है, यही आंसर है। ये 54 है, एक मिनट। आई होप आप समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ये। एक क्रिकेटर का 3 मैचों का औसत रन 22 है और किसी दूसरे 2 मैचों का 17 रन औसत, तो इन 5 मैचों का औसत रन क्या है? मयंक मनोहर, राहुल साहू, अभिषेक मौर्य करेक्ट है, अभिषेक कुमार करेक्ट वन, अमित कुमार रांची गलत है, रोहित कुमार रंजन देख लो भाई फटाफट, ये आंसर रोहित कुमार रंजन। डॉली कुमारी करेक्ट नहीं है, विकास मोदी नॉट करेक्ट, वैष्णवी शर्मा करेक्ट है, मुकेश कुमार, शिल्पा कुमारी करेक्ट है, अनीता मीना, मेघा शर्मा, पूनम कुमारी, साकेत, शुभम कुमार, जफर शरीफ करेक्ट वन, असिता नॉट करेक्ट, पूजा कुमारी नॉट करेक्ट, पूजा अग्रवाल, कुशल वाजपेयी, रिंका चौधरी, बबीता, दीपक शर्मा करेक्ट, प्रतिभा गलत है, संदीप राज गलत है, मीनाक्षी, दीपक शर्मा, विवेकानंद मेहता बहुत अर्सों के बाद दिख रहे हो भाई, तुम्हारा नाम पहली बार देख रहा हूं मैं यहाँ पे, सही है, प्रियंका वर्मा, लवप्रीत सिंह, प्रद्युमन गलत है, विवेक कुमार सही, विकास मोदी गलत, हर्षिता करेक्ट है, उमा मेहरा गलत, गुड्डू सहनी करेक्ट है, शीला कुमारी करेक्ट वन, हिमांशु पोरवाल गलत है, लवप्रीत सिंह, अजय टुड्डू अब आपका सही है, अर्षिता तुम्हारा आंसर सही है, मीनाक्षी मैंने बोला तो था तुम्हारा दिख रहा मुझे, गुड्डू सहनी करेक्ट है, गुलाम मुतजा अंसारी गलत, चंचल, संदीप राज, विष्णु दयाल, निशा कच्चप करेक्ट है, प्रमोद टेलर गलत है भाई, प्रमोद टेलर लगता है कुछ बेसिक कमी है, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पर हो भाई, छठी सातवीं आठवीं का कम से कम एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज करने को जो होती है, एनसीईआरटी किताब है फ्री अवेलेबल है नेट पे, रश्मि कनौजिया गलत, ईसा वर्षा प्रकाश गलत है, संदीप राज, विवेक शुक्ला गलत है सही है, डॉली कुमारी गलत, रश्मि कनौजिया गलत है, चलिए इसका आंसर 20 है, अब आप चेक कर लो, आंसर इज 20, आंसर इज 20। देखो एक क्रिकेटर का 3 मैचों का औसत 22 है और किसी दूसरे 2 मैचों का 17 रन औसत है,
तो इन पांच मैचों का औसत रन क्या है? तो कुछ नहीं, 3×22 पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप 2×17 टोटल मैच 5, यही तो होगा कंबाइंड एवरेज। सॉल्व कर लो इसको, 3×22 66, 17×2 34 बटे 5, मतलब 100/5 कितना आ गया 20, ये रन होगा 20 रन औसत। गुलाम मुर्तजा अंसारी 17 रन औसत है, औसत दो मैचों का 17। अच्छा तुम लोग इसको क्लियर कर लो भाई, ये औसत औसत 17 रन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ओके विकास मोदी, मयंक पुनौर सैयद हमारा, विवेक कुमार करेक्ट है, पूनम कुमारी नॉट करेक्ट, अभिषेक कुमार गलत, प्रेम सागर सिंह गलत, राहुल साहू करेक्ट, पूजा कुमारी करेक्ट, गजेंद्र उजैनिया करेक्ट है, अमित कुमार रांची करेक्ट नहीं है, मुकेश कुमार साकेत, पूजा अग्रवाल, संदीप राज करेक्ट आंसर, चंचल गलत आंसर है, प्रद्युमन समाल भी गलत है, हिमांशु पोरवाल गलत, विकास मोदी गलत, मेघा शर्मा, रोहित कुमार रंजन, जफर शरीफ गलत है, पूनम कुमारी सही है, मोहम्मद फैजल करेक्ट है, प्रियंका वर्मा गलत, अजय टुटू गलत, करण कुमार गलत, विष्णु दयाल गलत, शुभलक्ष्मी कुजूर गलत, शिल्पा कुमारी गलत, राज यादव, गुड्डू सैनी गलत, पूजा कुमारी गलत, मोहम्मद सलाउद्दीन गलत है भाई, लवप्रीत सिंह, राजीव रंजन उरांव गलत है, पूजा रानी कुमारी सही है,
अनीता मीना गलत, रश्मि कनौजिया गलत है। चलिए मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर है 19। देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। 13 परिणामों का औसत 40 है, प्रथम 7 का औसत 42 एवं आखिरी 7 का औसत 35, तो 7 में परिणाम का मान बताएं। अगर देखो परिणाम हम करते हैं रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, रिजल्ट 4, रिजल्ट 5, रिजल्ट 6 और रिजल्ट 7, पहले 7 परिणाम और अंतिम 7 परिणाम, देखो रिजल्ट 7, रिजल्ट 8, रिजल्ट 9, रिजल्ट 10, रिजल्ट 11, रिजल्ट 12 एंड रिजल्ट 13, ये अंतिम 7 परिणाम। तुम्हें एक चीज पता चल रहा होगा कि जो 7वां रिजल्ट है वो तो सेम है, दोनों में काउंट हो रहा है ना, यही निकालना है। तो पर 13 परिणामों का औसत 40 है, तो 13 परिणामों का जोर कितना होगा, सम ऑफ 13 रिजल्ट्स, 13 गुना 40 लिखो और फर्स्ट 7 का सम क्या होगा, का सम 7 गुना 42 और आखिरी लास्ट 7 का जोर रिजल्ट का क्या औसत है, 35 ना, 7 गुना 35। अब इन दोनों के जोर में से 13 गुना 40 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 7वां तो मिल जाएगा ना, क्योंकि 7th रिजल्ट 7वां इसमें भी काउंटेड और इसमें भी काउंटेड है, इसमें तो 7वां एक ही बार काउंटेड है, तो वही करो 7 गुना 42 प्लस 7 गुना 35 माइनस 13 गुना 40, ये क्या देगा, तो 7th रिजल्ट देगा ये, ठीक है, ये 7th रिजल्ट देगा। ठीक है, और ये सॉल्व करोगे तो 19 आएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, लिख लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये करें इसको। एक मिनट प्रिया कुमारी, दिखा रहा हूं। ये देख लो, राहुल साहू करेक्ट आंसर है। दिखा रहा हूँ गुड्डू सैनी, प्रिया कुमारी, ये स्लाइड है पिछला। ओके क्वेश्चन ये है, मुकेश कुमार गलत है, अभिषेक कुमार सही है। अच्छा गुड्डू सैनी पहले वाला क्वेश्चन दिखा है, ये रहा क्वेश्चन। लो अभिषेक मौर्य करेक्ट आंसर,
अमित कुमार रांची, बबीता जफर शरीफ, अनीता मीना, करेक्ट है संदीप राज, विवेक कुमार गलत है। संदीप राज सही है तुम्हारा, विवेक कुमार तुम्हारा गलत है। मयंक मनोहर करेक्ट आंसर, मयंक मनोहर करेक्ट है, विकास मोदी नॉट करेक्ट, विवेक कुमार नॉट करेक्ट, आशुतोष उपाध्याय करेक्ट है, मयंक मनोहर करेक्ट है भाई, मुकेश कुमार करेक्ट वन, पूजा कुमारी करेक्ट है, विकास मोदी, वर्षा प्रकाश, साकेत करेक्ट है, विष्णु दयाल कुमार करेक्ट है, मुकेश कुमार करेक्ट है, कुशल वाजपेयी करेक्ट, अजय टुंटू करेक्ट। तो काफी लोगों का आंसर है, बहुत सारा है आ ही रहा है अभी। आंसर है इसका 50 years, 50 years 50 वर्ष। अब आप चेक कर लें अपना अपना आंसर, काफी लोगों ने आंसर दिया, बहुतों का नाम नहीं ले पाया मैं। प्रतिभा तुम ध्रुव सर वाले चैट में भेजो, जुबैर खान, अरे पहली बार ये नाम दिख रहा है इस पे। चलिए मैं बता देता हूं, भारत का क्रिकेट टीम जो नागपुर टेस्ट खेल रहा है उनकी औसत उम्र क्या है, 30 वर्ष है, 5 खिलाड़ियों का औसत 27 वर्ष, कप्तान को छोड़कर बचे हुए 5 खिलाड़ियों का औसत 29 वर्ष है, तो कप्तान का उम्र बताएं। तो बताओ क्रिकेट टीम जो नागपुर टेस्ट खेल रहा है उसमें 11 प्लेयर होंगे, तो उनका उम्र का जो सम होगा 11 into 30। अब इसमें 11 खिलाड़ी कप्तान को लेके, 5 खिलाड़ी औसत उम्र 27, तो टोटल 5 × 27 उम्र हो गई। कप्तान को छोड़ के जो बाकी 5 खिलाड़ी है उनका औसत उम्र 29, तो 5 × 29 टोटल जोड़ हो गया। तो जो कैप्टन है, कप्तान जो है, कप्तान का उम्र क्या होगा, तो 11 × 30 में से ये 2 माइनस कर लो, 5 × 27 + 5 × 29, ये 330 आया और ये 135 और ये 145। आगे बढ़ते हुए 330 - 280 ये क्या होगा, 50 years, ये कप्तान का उम्र हुआ, कैप्टन का एज हुआ। ये कैप्टन का एज,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक वर्ग मतलब क्लास इसमें 40 छात्र हैं, उनका औसत मार्क्स 52 है, यदि 10 छात्रों का औसत मार्क्स 61 है तो बचे हुए 30 छात्रों का औसत मार्क्स क्या है? अभिषेक मौर्य, गुलाम मुर्तजा अंसारी करेक्ट है, मयंक मनोहर करेक्ट, मोहम्मद सलाउद्दीन करेक्ट है, पूजा अग्रवाल करेक्ट, गुड्डू सहनी नॉट करेक्ट, शीला कुमारी करेक्ट, जफर शरीफ करेक्ट, मुकेश कुमार करेक्ट, पूजा कुमारी करेक्ट, प्रतिभा कुमारी नॉट करेक्ट, अनीता मीना करेक्ट, राहुल साहू नॉट करेक्ट, वैष्णवी शर्मा करेक्ट है, अभिषेक करेक्ट, राजीव रंजन ओराव करेक्ट, सुमन कुमारी करेक्ट वन, साकेत करेक्ट वन, ओके राहुल साहू तुम्हारा नेट चला गया था, ओके ओके, मेघा शर्मा सही है, कुशल वाजपेयी करेक्ट, संदीप राज गलत है, विष्णु दयाल करेक्ट है, अजय टुड्डू बचे हुए 30 छात्रों का औसत बताना है भाई, राजीव यादव सॉरी राज यादव परसेंट क्यों लगाया हो भाई, करेक्ट है, सिद्धार्थ औसत निकालना है औसत, पूनम कुमारी गलत है, पूजा कुमारी औसत निकालना है, प्रेम सागर सिंह गलत है, मेघा शर्मा करेक्ट, जसलीन गलत है, हिमांशु पोरवाल औसत मार्क्स निकाल रहा है, शुभ लक्ष्मी कुजूर, विवेकानंद मेहता, राज यादव, प्रियदर्शनी कुमारी, विवेक शुक्ला, विकास मोदी, बबीता कुमारी करेक्ट है, प्रमोद टेलर भाई क्या निकाले हो तुम, औसत मार्क्स निकालना है प्रमोद, पूजा रानी कुमारी औसत निकालना, राहुल साहू नाउ करेक्ट, काफी आंसर आ चुका है, इतना नाम बोलना, हाँ राहुल सही है तुम्हारा, राहुल साहब चलो मैं आंसर बोल रहा हूँ, चेक करें अपना अपना आंसर, 49 क्या है तो 49। चलो मैं इसको बना देता हूं, एक वर्ग जिसमें 40 छात्र हैं, औसत 52 है, 10 छात्र का एक ग्रुप जिनका औसत 61 और बचे हुए 30 छात्रों का औसत निकालना है, आज गुड्डू सहनी तुम्हारा सही है,
ठीक है, तो 10 छात्र उनका औसत औसत 61 और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके प्रमोद, नंबर ऑफ स्टूडेंट छात्र 10 और बाकी 30, बाकी 30 का औसत निकालना है, ये मान लो उसको, बस उसने करना 10 गुना 61 प्लस 30 गुना ए बटा 40 टोटल है 10 प्लस 30 और पूरी क्लास का एवरेज कंबाइंड एवरेज 52 है, यही सॉल्व करना है, ए निकालना है, ठीक है तो निकाल लो। वैसे ये जीरो कट जाएगा बता दू मैं, ऊपर 10 कॉमन ले लो तो हो जाएगा, जीरो कट जाएगा, तो 52 गुना 4 61 प्लस 3a, ए निकालना है, ये 208 माइनस 61 3a, 3a इक्वल टू 8 में से 1 गया तो 7, 10 में 6 गया तो 4, 1, a इक्वल टू 147 बाय 3, ये क्या आ गया 49, क्या आ गया 49, यही आंसर है। तो बाकी 30 बच्चों का औसत क्या है तो 49, निहारिका ये रहा क्वेश्चन। चलिए तो औसत में जिस तरह का क्वेश्चन आता है मैंने करा दिया है। राखी कुमारी कट कैसे किया है सर? तुम 10 कॉमन लो तो 61 बचेगा, उधर 3 बचेगा, 10 से 40 को कट करो तो 4 आएगा। नहीं अभिषेक, धन पूर्णांक विषम पूर्णांक से करो तो क्या फर्क पड़ना है, तरीका तो यही है, वैसे आता नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है। वैसे धन पूर्णांक तो प्राकृतिक संख्या हो गया, विषम पूर्णांक क्या होगा, ऑड, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरीके से करेंगे। अभिषेक कुमार ओके ओके, बट जनरली नहीं आता, जनरली अप्लाइड क्वेश्चन ही आता है। शशि शर्मा बता तो दिए, 10 और 30 में से कॉमन ले लो 10, 40 को काटोगे तो 4 ही तो बचेगा। शशि शर्मा 10 और 30 में कॉमन लो 10 और 40 को काटो तो 4 बचेगा ना, मैंने पहले 0-0 काट दिया। ठीक है मीनाक्षी, ठीक है, यस मीनाक्षी, ठीक है, ठीक है मीनाक्षी, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब आप लोग को नया चीज सिखा रहा हूं। अरे आज 4 बजे तक क्लास है भाई, 4 बजे तक, 4 बजे तक क्लास है, 4 बजे तक क्लास है मीनाक्षी, दीपक से थैंक यू करके जा रहे हैं। चलिए ठीक है ओके, 4 बजे तक क्लास होता है,
आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूं नया चैप्टर है उसका नाम है एलिगेशन एंड मिक्सचर, मिश्रण जिसको हम बोलते हैं, मिश्रण वाले। एलिगेशन एक टेक्निक होता है, टेक्निक है। नहीं जफर शरीफ इतना मैथ एक बार कैसे पढ़ोगे? मौसमी कुमारी रिकॉर्डिंग मिला है लेकिन प्ले नहीं होता है। क्यों? प्ले होगा ना, क्यों नहीं होता? बाकी फ्रेंड का देखो होता है क्या, तुम्हारा कुछ गड़बड़ होगा जो भी यूज करते हो तुम लैपटॉप या कंप्यूटर में, प्ले होगा। एलिगेशन होता है प्ले। ओके तो मौसमी चेक कर लेना, बाकी फ्रेंड बोल रहे हैं प्ले होता है, तुम्हारा कुछ गड़बड़ होगा लैपटॉप या कंप्यूटर में। चलिए मैं एलिगेशन मिक्सर बताता हूं, मिश्रण वाले क्वेश्चन। एलिगेशन एक टेक्निक है, टेक्निक है अंक गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसे कुछ आसान हो जाता है कुछ मिश्रण वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहले एलिगेशन सीखो क्या है। प्रिया कुमारी तुम्हारा भी नहीं होता है, बाकी तो सब लिख रहे हैं होता है, तुम्हारे लैपटॉप वगैरह प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा दिक्कत, अपने एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से बात करो, ऐसे बता देगा वो। ठीक है तो टेक्निक बता रहा हूं, सिखा रहा हूं मैं। जो अभी जो मैंने बताया कंबाइंड एवरेज वाला फॉर्मूला, उसमें क्या था कि दो ग्रुप था, एक में N1 नंबर ऑफ आइटम A1 एवरेज, दूसरे ग्रुप में N2 नंबर ऑफ आइटम A2 एवरेज, और हमने कंबाइंड एवरेज निकाला था A इक्वल टू N1 A1 प्लस N2 A2 बाय N1 प्लस N2। ओके अब क्या करो कि जो कंबाइंड एवरेज A है वो इस A1 और A2 के बीच में होगा, क्योंकि दोनों का कंबाइंड एवरेज है। क्या होगा, या तो A1 लेस देन A लेस देन A2 होगा, या A2 A से छोटा होगा, A1 छोटा होगा। मतलब कंबाइंड एवरेज A1 और A2 के बीच में होगा, कहने का मतलब ये है। इस चीज को हम एलिगेशन के डायग्राम से शो करते हैं। कैसे? यहाँ पे A1 लिख लो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे A1 लिख लो, यहाँ पे A2 लिख लो, यहाँ पे A लिख लो। ठीक है, A1 हमने कैलकुलेट किया एवरेज N1 आइटम के बेस पे, आधार पे, आधार मैं लिखता हूं आधार पे, और A2 हमने कैलकुलेट किया है औसत N2 के आधार पर, यही है ना, N2 आइटम के आधार पे। अब एक बार ये बनाओ, यहां पे इधर जो लिख रहा हूं मैं, अगर हम ये मान के चलें तो एक तो होगा ही, पहला लेके चलते हैं, यहां पे लिखेंगे A2 माइनस A, क्या लिखेंगे, A2 माइनस A। मैं बताऊंगा कि A2 माइनस A लिया, A माइनस A2 क्यों नहीं लिया बताऊंगा अभी, और यहां लिखा मैंने A माइनस A1। देखो तुम्हें डिफरेंस ए एंड ए टू का ऐसा लेना है कि ये चीज पॉजिटिव रहे, क्या रहे, पॉजिटिव रहे, और ए एंड ए वन का डिफरेंस ऐसा लेना है कि ये पॉजिटिव रहे, धनात्मक रहे। हमने ये पहला केस लिया है, यहाँ पे ए टू ए से बड़ा है तो ए टू माइनस ए पॉजिटिव होगा, और ए बड़ा है ए वन से तो ए माइनस ए वन पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए इस तरह लिया है। केवल ध्यान रखना है कि ए और ए टू का डिफरेंस पॉजिटिव लेना है, यहाँ पे ए और ए वन का डिफरेंस पॉजिटिव लेना है। अब एलिगेशन रूल बोलता क्या है, वो बोलता है कि जो N1 N2 का रेशियो होगा वही रेशियो A2 माइनस A एंड A माइनस A1 का होगा। मतलब यहां लिख रहा हूं मैं N1 बाई N2 इक्वल टू A2 माइनस A बाई A माइनस A1।
हम ये यूज करेंगे क्वेश्चन एन वन बाई एन टू इक्वल टू ए टू माइनस ए बाई ए माइनस ए वन। अब यहां पे देखो एन वन एन टू दो, ए टू ए तीसरा चौथा, ए पांचवा और ए वन, सॉरी क्वांटिटी कितना है, एन वन एन टू ए वन ए टू चार, ए पांच है। इस पांच में से चार दिया रहेगा, पांचवा निकालना होता है क्वेश्चन में। एन वन एन टू एन वन एन टू ए वन ए टू ए पांच है, पांच में से चार दिया रहेगा क्वेश्चन में, पांचवा निकालना होता है। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं मैं, देखो कॉन्सेंट्रेट करो। देखो दो ग्रुप है, दो ग्रुप है, एक में एन वन आइटम दूसरे में एन टू आइटम। पहले ग्रुप का औसत ए वन, दूसरे ग्रुप का औसत ए टू। कंबाइन किया तो कंबाइंड औसत ए एन वन ए वन प्लस एन टू ए टू बाय एन वन प्लस एन टू होता है। अब जो कंबाइंड एवरेज है वो ए वन ए टू के बीच में लाइक रहे, या तो ये होगा या ये होगा, है ना। इसी चीज को एलिगेशन डायग्राम में दिखाते हैं, इसी चीज को डायग्राम में समझाते हैं। यहाँ पे ए वन लिख लो, यहाँ पे ए टू लिख लो, एवरेज है ये, और ये कंबाइंड एवरेज हो गया। ए वन जो निकालते हैं वो एन वन आइटम के आधार पे ऊपर आधार होता है, ए टू जो निकालते हैं एन टू आइटम के आधार पे। अब ए एंड ए टू का डिफरेंस लो, और यहाँ पे ए एंड ए वन का, मैंने बोला कि ये दो पॉसिबिलिटी बनता है, तो पहले वाले के चलते हैं, कोई एक तो बनेगा ना। तो पहले वाले में ए टू ए से बड़ा है और ए ए वन से बड़ा है, तुम्हें ए टू एंड ए का ऐसा डिफरेंस लेना है कि पॉजिटिव हो। तो पहला वाला केस है तो ए टू माइनस ए पॉजिटिव होगा और ए माइनस ए वन पॉजिटिव होगा, ऐसा डिफरेंस लेना है। ए एंड ए टू का पॉजिटिव यहाँ पे आया, यहाँ भी पॉजिटिव ए एंड ए वन का आया डिफरेंस। फिर एलिगेशन रूल बोलता है कि जो एन वन एन टू का रेशियो है, एन वन एन टू का जो रेशियो है वो ए टू माइनस ए, इनका और इनका रेशियो बराबर ए टू माइनस ए और ए माइनस ए वन का रेशियो के बराबर होगा। अब हमारे पास एन वन एन टू ए वन ए टू एंड ए पांच क्वांटिटी है, क्वेश्चन में चार दिया रहेगा, पांचवा निकालना होता है। बहुत बार ए वन ए टू दिया रहेगा, एन वन एन टू दिया रहेगा, ए निकालना होगा। बहुत बार एन वन एन टू दिया रहेगा, ए ए वन दिया रहेगा, ए टू निकालना होगा, इस तरह से। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे क्या होगा कि ए ए वन एंड ए टू दिया रहेगा, मतलब ये ए टू ए ए ए वन दिया रहेगा, तब इन तीन के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं एन वन एन टू का रेशियो, किस रेशियो में वो मिक्स किए गए हैं, मिश्रित किए गए हैं, वो निकल जाएगा। अगर हमें ए वन ए टू ए ये ए वन ए टू तो दो औसत हुआ, ये कंबाइंड औसत हुआ, ये दिया हो तो एन वन एन टू का रेशियो अनुपात निकल जाए, किस रेशियो में मिक्स हुआ। ठीक है, इसका बहुत सारा अप्लीकेशन है, हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, आप लिख लो बढ़िया से, ऊपर से यहां से शुरू किया था मैंने। या स्क्रीनशॉट ले लो, समाहेल। वेरी गुड मीनाक्षी, सिर घूम गया, अरे रुक जाओ आप संभाल भी, अभी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसे यूज होता है ये टेक्निक, सिर नहीं घुमाओ अभी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमारे पास दो टाइप का राइस चावल है, एक का प्राइस मान लो रुपीज फाइव पर केजी है और दूसरे टाइप का राइस चावल का
कॉस्ट ₹7 पर केजी। दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स किया गया, किया गया। अब जो मिश्रण आया, मिश्रण का जो प्राइस बना वो बना ₹5.5 पर केजी। अब बताना है कि दोनों जो राइस है किस रेशियो में मिक्स हुआ। तो यहां एलिगेशन इजीली लग जाएगा, कैसे? तो देखो, हमारा A1 का काम ये करेगा, पहले टाइप के राइस का एवरेज प्राइस, ये काम करेगा A2 का, और ये काम करेगा हमारा A का कंबाइंड। तो ऑब्वियसली N1 N2 का रेशियो मिल जाएगा हमें, कैसे? तो देखो 5 और 7 है ना, A1 A2 यहां लिखा हूं, 5 7 और कंबाइंड होने के बाद 5.5। N1 और N2 क्वांटिटी नहीं पता, इनका रेशियो पता करना है। अब 5 एंड 5.5 का डिफरेंस 0.5, 5.5 और 7 का डिफरेंस 1.5, ये है ना। अब मैंने बताया ये हमारा आ गया A2 माइनस है, क्योंकि ये तो हमारा A2 है, ये हमारा A1 है और ये हमारा A है। ये क्या आ गया, ये A2 माइनस है ना, और ये क्या है हमारा, ये माइनस A1 है, पॉजिटिव दिख रहा है। अब N1 N2 का रेशियो जो पता करना है, किस रेशियो में दोनों चावल को मिक्स किया गया है, तो यहां लिख रहा हूं मैं N1 बाई N2 इक्वल टू क्या, 1.5 बाई 0.5। इसी को सॉल्व करो, पॉइंट तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, 5 से कट के 3 आया, क्या रेशियो मिला, 3 बाई 1, मतलब N1:N2=3:1। मतलब क्या हो गया कि दोनों ही चावल 3:1 में मिक्स किया गया है, 3:1 में मिक्स किया गया है। पहला अगर 3 केजी लिया जाता है, दूसरा 1 केजी लिया जाता है, पहले टाइप का राइस 6 केजी लिया जाता है तो दूसरे टाइप का राइस 2 केजी लिया जाएगा, पहले टाइप का राइस 300 केजी लिया गया है तो दूसरे टाइप का राइस 100 केजी लिया जाएगा। ये रेशियो बना, इस रेशियो में दोनों चावल को मिला दिया गया। अब देखो एलिगेशन टेक्निक कैसे यूज किया मैंने इस एग्जाम्पल में, ऊपर से देखो, दिव्या दीक्षित एक बार और समझा दो। अरे दिव्या दीक्षित देखो क्वेश्चन क्या है, वर्षा प्रकाश 5 है, ₹5 पर किलो, पहले तरह का राइस है और ये उसका जो कॉस्ट है ₹5 पर केजी है, और दूसरे तरह का राइस है उसका प्राइस 7 पर केजी। दोनों को मिक्स किया गया और मिश्रण जो बना उसका जो प्राइस है ₹5.5 पर केजी। आगे बढ़ो, तो मैंने बताया कि 5 पर केजी को A1 मान लो, पहला औसत प्राइस हो गया, 7 पर केजी A2 मान लो, और 5.5 पर केजी जो है वो A है, क्या है, A है कंबाइंड औसत। सुमन कुमारी पता चल जाएगा, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो घबराओ मत। अब देखो यहाँ N1 N2 क्वांटिटी तो नहीं पता है, किस कितना क्वांटिटी दोनों का मिक्स हुआ, सुमन कुमारी, तो N1 N2 नहीं पता है। अब यहाँ पे मैंने A1 लिखा, यहाँ पे A2 लिखा, 5 और 7, यहाँ A लिखा,
अब यहाँ पे देखो डिफरेंस ए टू एंड ए का लिया पॉजिटिव, यहाँ पे ए और ए वन का लिया पॉजिटिव। यस हर्षिता कोई भी हो सकता है, डिफरेंस पॉजिटिव लेना है, डिफरेंस पॉजिटिव ले लेना है। अब हमारा क्या है एन वन बाई एन टू इक्वल टू ए टू माइनस ए बाई ए माइनस ए वन, तो क्या आएगा 1.5 बाई 0.5, 3 बाई 1 आया। तो किस रेशियो मिक्स हुआ, 3:1 के रेशियो में, ठीक है। तो दोनों जो राइस मिक्स हुआ है 3:1 में, पहला 3 केजी तो दूसरा 1 केजी, पहला 6 केजी तो दूसरा 2 केजी, पहला 300 केजी तो दूसरा 100 केजी, ऐसे। अरे फॉर्मूला तो शशि शर्मा पीछे लिखा हुआ है ना, ये रहा फॉर्मूला देखो, यही तो फॉर्मूला एन वन बाई एन टू इक्वल टू ए टू माइनस ए माइनस ए वन। ए वन ए टू किसी को भी ले सकते हो, डिफरेंस पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखना। प्रमोद टेलर 1.5 कैसे आया भाई, 7 और 5.5 का डिफरेंस क्या होगा, 7 और 5.5 का डिफरेंस प्रमोद क्या होगा, एक और एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, ये जानो एग्जाम्पल है कि दो तरह का मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, मिश्रण है, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। पहले में 40% मिल्क है, ऑब्वियसली 60% पानी होगा, और दूसरे में 70% मिल्क है, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आया उसमें 50% मिल्क है, उसमें 50% मिल्क है, ठीक है। अगर पहले तरह का मिल्क 20 लीटर है तो दूसरे तरह के मिल्क कितना है, ये निकालना। अब यहां पे पहले वाले मिश्रण 40% मिल्क है तो उसको A1 मान लो, एवरेज तो इतना ही मिल्क है औसत पे पहले वाले में, दूसरे में कितना मिल्क है 70%, इसको A2 मान लो, और मिश्रण में 50% आया है तो इसको A मान लो। अब सॉल्व करो, तो पहले A1 क्या है, A1 A2 किसी को ले सकते हो, घबराना नहीं, किसी को ले सकते हैं। तो 40, 70 और ये 20 लीटर क्वांटिटी है, ये नहीं पता है, N मान लो, अनुपात तो आएगा ही, और मिक्स करने के बाद ये 50 है। तो ये हमारा A1 था, ये हमारा A2 था, ये हमारा A है। अब सॉल्व करो, N निकालना है, 50 और 70 का डिफरेंस बताओ 20, 40 और 50 का डिफरेंस बताओ 10, है ना। तो इन दोनों का रेशियो N1 एंड N2 के बराबर, यहाँ N1 20 है और N2 को तो N ही माना, तो 20/N इक्वल टू 20/10, 20/20 कट जाएगा, N क्या आ गया 10 लीटर, मतलब दूसरे तरह का मिल्क कितना है 10 लीटर। इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर से देख लो यहां से बताया था मैंने। ठीक है, एक चीज गौर करना, हमेशा ध्यान रखना कि यहां पे मिल्क लिए हैं तो यहां भी मिल्क होना चाहिए, यहां भी मिल्क का ही
एवरेज होना चाहिए, ये मिल्क ये मिल्क ये मिल्क, ऐसा नहीं कि ये मिल्क है और ये वाटर ले लोगे, सब मिल्क लेंगे या सब वाटर लेंगे। अरे प्रमोद अभी एलिगेशन ही पढ़ेंगे भाई, इसी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, अभी से पूछने लगा नेक्स्ट चैप्टर प्रतिशतता परसेंटेज होगा, पहले एलिगेशन तो करेंगे तब तो, ऐसे जंप करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, सब बेकार हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़ो ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक चीज और बताना चाहेंगे कि अगर हम वाटर लेके चलते, वाटर कितना है पहले में 60% पानी है, वाटर है, और दूसरे में 30% वाटर है, और मिक्सचर में 50% मिलकर 50% वाटर। वाटर लेके भी सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा, देखो कैसे मैं लेके सॉल्व करता हूं, 30 दूसरे में 30 था ना, वाटर लेके चल रहा हूं और मिक्स करने के बाद 50, ये पहला क्वांटिटी क्या था 20 लीटर मिक्सचर का मिश्रण 20 लीटर, दूसरा हमें निकालना है, गौर करना आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ वाटर है यहाँ वाटर है यहाँ वाटर है, 60 और 50 का डिफरेंस बताओ 10, 30 और 50 का डिफरेंस बताओ 20, रेशियो 20:10, तो फिर से आंसर वही आएगा 20/n, 20/10, 20 कट गया एन क्या आ गया 10 लीटर। तो क्या पता चला कि यहाँ पे हम वाटर लेंगे तो यहाँ भी वाटर तब भी आंसर सेम आएगा, या तो मिल्क 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 लेके चलो या वाटर 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 लेके चलो ठीक है, ये ध्यान रखना। ऊपर से देख लो यहां से बताया था, अगर पहले मिश्रण में 40% मिल्क है तो वाटर कितना होगा 60%, यदि मिल्क एंड वाटर रहेगा तो मतलब, अरे मिल्क एंड वाटर का मिश्रण है तो या तो मिल्क लेके चलो या वाटर लेके चलो, मिश्रण में मिल्क एंड वाटर है तो या तो मिल्क लेके चलोगे या वाटर लेके चलोगे। अब दूसरे मिक्सचर में 70% मिल्क है तो 30% वाटर है ना, मिक्स करने 50% मिल्क आया मिश्रण में तो 50% पानी तो है, या पानी लेके चलो या मिल्क लेके चलो आंसर आ जाएगा। ये देखो स्क्रीनशॉट ले ले यहां से, यस यस हर्षिता मिश्रण है वो, मिश्रण 40% मिल्क है इसका मतलब बाकी पानी तो है, मिश्रण है मिल्क एंड वाटर का ठीक है, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये ले लो स्क्रीनशॉट, ये ले लो स्क्रीनशॉट, जफर शरीफ क्वेश्चन इसका अगली क्लास में करेंगे, आज नहीं आज नहीं आज नहीं, इसका अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर टुडे। हाँ मीनाक्षी, हाँ मेरे समय में 2 ऑप्शन हुआ करता था, मैं मेंस मैथ्स और ज्योग्राफी से लिखता था। जबर शरीफ अभी जो बताया उसी को पढ़ना भाई, मैं कल पीडीएफ शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर टुडे जसलीन, नहीं अभी क्लास चलेगा, कहां खत्म तो नहीं हुआ ना, सब रिकॉर्डिंग है रोहित रंजन। नेक्स्ट क्लास कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वैसे अभी
थैंक यू समाल पी, थैंक यू रिकॉर्डिंग अवेलेबल है मीनाक्षी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू विष्णु दयाल। जब पर सही कोई बात नहीं, कुछ प्रैक्टिस करो ठीक हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक हो जाएगा। तो उसमें सब नया ही क्वेश्चन होता है ना, सब तरह का।